दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पितृवत्स श्राद्ध का महीना चल रहा है और सभी लोग अपने पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं। जिन परिवारों में पुरुष नहीं है वह महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है, सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा जीवित रहे, लोग अपने पितरों को नहीं भूलें, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। विवाहित महिलाएं श्राद्ध करते समय सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहन सकती हैं। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए, साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें, ऐसा शास्त्रों में मनाही है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बहू या पत्नी भी कर सकती है श्राद्ध। पुत्र या पति के नहीं होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में बताया गया है गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सबके अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्यों के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने गए। उसी दौरान माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए, जो उनसे पिंडदान की कामना कर रहे थे। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मारकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के तट पर श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया था। इससे महाराज दशरथ का आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद दिए थे। तो दोस्तों, पितरों के श्राद्ध में महिलाओं की भागीदारी के लिए हमारे मन में जो कुछ सवाल थे या जानकारी का अभाव था, इस वीडियो से आशा है कि आप सभी को लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो वीडियो जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।